मक्सरोड स्थित जोधपुर की फैक्ट्री में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा छापेमार कार्रवाई कर 20,000 पानी के पाउच को बरामद कर फैक्ट्री को सील किया गया। उज्जैन नगर निगम अधिकारियों की टीम ने सुबह मक्सरोड जोधपुरी में स्थित फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई करते हुए यहां से 20,000 से अधिक पानी के पाउच बरामद किए। अधिकारियों ने फैक्ट्री संचालक पर 10,000 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई करने के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया। मक्सरोड उद्योगपुरी में सोनम इंडस्ट्री के नाम से पानी की बोतल व पाउच आदि की फैक्ट्री स्थित है। इस फैक्ट्री में अमानक स्तर की प्रतिबंधित पॉलीथीन में पानी के पाउच तैयार किए जा रहे थे। नगर निगम अधिकारियों को जब इसकी सूचना मिली तो सुबह उपायुक्त सजेश गुमा, स्वास्थ्य निरीक्षक पुरुषोत्तम दुबे, अंकित झांझोट, दरोगा लालू गोसर, मेट रहीम खान, मोतीलाल खरे की टीम फैक्ट्री पर पहुंची और यहां प्लास्टिक की थैलियों में भरे करीब 20,000 से अधिक पानी के पाउच बरामद किए। और हम 300 से 400 टीडीएस कर रहे हैं। 3 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ है 500 टीडीएस से अगर कम है तो वो आरोप है। तो मेरे को जानकारी नहीं है, तो हम तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। 500 टीडीएस होगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पहली बार तो आप वो भी करो, हमारे यहाँ से परमिशन जी अब ले लेंगे। आप मेरे को जानकारी नहीं थी कि नगर निगम। अरे यार उद्योग चलाते हो, सब जानकारी रखनी चाहिए। मैडम नहीं थी गलती, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। उद्योग चला रहे आप, नगर निगम का कोई मेरे को अधिकारियों ने बताया कि पानी के पाउच तैयार करने व विक्रय पर प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी फैक्ट्री संचालक सोमिल मित्तल द्वारा प्रतिबंधित पानी के पाउच तैयार कर विक्रय किए जा रहे थे। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ 10,000 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई कर फैक्ट्री को सील किया गया। आपने पेपर मांगे थे जो उसके बाद देखना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। एप्लीकेशन भी मैंने कहा था ऑनलाइन होनी है, तो आपको परस्यू तो करना चाहिए। बेटी नहीं मिली, पेपर देना गलत लोग से काम थोड़ी हो जाता है, या इसीलिए आ जाते कि मैडम 2-2.5 महीना हो गया मेरी परमिशन नहीं मिली, तो ही आपको अंदाज लग जाता है कि भाई मेरी एप्लीकेशन नहीं मिली। 2-2.5 महीने से ज्यादा जो 200 मीटर